नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि आला अफसरों के साथ सीएम कर सकते हैं बैठक, मंदिर की सुरक्षा को लेकर बैठक कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एटीएस चीफ भी पहुंचेंगे गोरखपुर। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। सीएम योगी के साथ एटीएस चीफ पहुंचेंगे गोरखपुर, मंदिर की सुरक्षा को लेकर कह सकते हैं हम बैठक, ये जानकारी सामने आ रही है। और सीएम योगी के साथ एटीएस चीफ भी पहुंचेंगे गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ आज करेंगे गोरखपुर का दौरा। योगी आदित्यनाथ के साथ एटीएस चीफ भी पहुंचेंगे गोरखपुर। आला अफसरों के साथ मुख्यमंत्री कर सकते हैं बैठक, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मंदिर की सुरक्षा को लेकर बैठक कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के साथ एटीएस चीफ भी पहुंचेंगे गोरखपुर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे गोरखपुर का दौरा। आला अफसरों के साथ सीएम कर सकते हैं बैठक, मंदिर की सुरक्षा को लेकर बैठक कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी के साथ एटीएस चीफ भी पहुंचेंगे गोरखपुर। आपको बता दें कि मंदिर में हमला हुआ उसके बाद से एटीएस को जिम्मेदारी सौंपी गई है इस पूरे जांच की, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर का दौरा करेंगे और मंदिर की सुरक्षा को लेकर बैठक कर सकते हैं आला अफसरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये जानकारी सामने आ रही है, आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे, मंदिर की सुरक्षा को लेकर बैठक कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के साथ एटीएस चीफ भी पहुंचेंगे गोरखपुर। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे गोरखपुर का दौरा और योगी आदित्यनाथ के साथ एटीएस के अफसर भी। और इसी मामले पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और क्या चीजें सामने आई, जैसे आपने बताया कि एटीएस को भी जांच दे दी गई है? नहीं, एटीएस के द्वारा इस पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है तथा हमारी जो एटीएस और एसटीएफ दो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं उनको इस पूरे प्रकरण के पर्दाफाश के लिए लगाया गया है। हम अन्य सभी एजेंसियों के साथ भी संपर्क बना रहे हैं और जो ये घटना है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और इसकी गंभीरता को मानते हुए ही हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जैसे एक चीज़ सामने आई है कि जो अभियुक्त है वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर है और कई जगह पे वो नौकरी भी कर चुके, तो क्या अब तक क्या मंशा थी, क्योंकि उसके पास लैपटॉप और पेनड्राइव भी बरामद हुए, मुंबई कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है? अभी तक तो जो यही बात है कि वहाँ एक सुरक्षित जगह पे उसने नारा लगा के, एक धार्मिक नारा लगा के घुसने का प्रयास किया और उस दौरान वहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी थे, पुलिस के अधिकारी थे, उस पे उसने एक धारदार हथियार से हमला किया जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उसके बाद से बहादुरी का परिचय देते हुए लोगों ने उसकी गिरफ्तारी की है। तो आगे जैसे जैसे चीज़ें होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्या एनआईए जांच के लिए भी कहा गया है, उसके लिए भी? अभी तो एटीएस के द्वारा विवेचना की जा रही है, आगे अभी इसके बारे में कहना कुछ भी उचित नहीं। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुन रहे थे आप, लगातार कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी घटना है और इसको लेकर एसटीएफ और एटीएस को भी जांच सौंपी गई है। और इसी खबर पर एसीएच होम अवनीश अवस्थी क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। देखिए, इससे नकारा नहीं जा सकता कि ये व्यक्ति जो है इसके तार कहीं ना कहीं से जुड़े रहे हैं। इसका जो इसके इन्वेस्टिगेशन में इससे जो है इस बिंदु पर विशेष रूप से कि आतंकी हमले की साजिश के रूप में है, इस पर भी पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। हमारी एटीएस इस मामले की जांच कर रही है और एसटीएफ भी इसमें सहयोग दे रही है जांच में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तीन सिपाही थे हमारे, दो कांस्टेबल्स हमारे पीएसी के और एक हमारे नागरिक पुलिस के कांस्टेबल, तीनों लोगों ने जो है गेट पर ही जो है उस आदमी को रोका। उनको हालांकि गंभीर चोट दो लोगों को लगी है, उनको जो है 5 लाख रुपए का पुरस्कार का इनाम का भी जो है घोषणा की है। इसमें अभी चूंकि जांच चल रही है तो बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन अभी एडीजीएलओ जांच कर जो
अभी उन्होंने आपको ब्रीफ किया है, आगे जैसा होगा जब भी प्रगति की आवश्यकता होगी बताने की तो बताएं। तो एसीएस होम लगातार कहते हुए कि जांच जो है वो की जा रही है, एटीएस को इस जांच में लगाया गया, इसकी जांच सौंपी गई है, तो एटीएस को जांच सौंपी गई है और एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज जिस तरह से मंदिर परिसर में एक शख्स घुसता है और उसके बाद हमला करता है, तो लगातार ये जो पूरा मामला है सुर्खियों में बना हुआ है और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर में हुए हमले को लेकर लगातार जो तमाम आला अधिकारी हैं वो लगातार बात कर रहे हैं अपनी, और उनका बयान आया है कि एटीएस ने इस पूरे मामले को अपने अब कहा जाए कि वो जांच कर रही है और एटीएस चीफ जो है वो गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, लगातार इस पूरे मामले को अब कहा जाए कि एटीएस जो है वो निगरानी करेगी, इस पूरे मामले की जांच करेगी, वो जो शख्स है जो मंदिर में घुसा था उसको हिरासत में ले लिया गया है, और इस पूरे मामले में अब खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं, क्या अपडेट है इस पर अनुराग? और सबसे पहले वो मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे जहां पर जो जवान को चोट लगी है वहां पर उनसे मिलेंगे, और काफी एक प्रोत्साहन दिया सीएम योगी ने लखनऊ में रहकर, क्योंकि बताया है कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा कि अवनीश अवस्थी ने भी ये कहा है कि जो जवान थे जो पीएससी के जवान थे काफी इन्होंने साहस दिखाया है, उस साहस के बदले इनको पाँच पाँच लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, प्रोत्साहन राशि कहा जा सकता है। अब बात यह है सीएम सिक्योरिटी का, तो सीएम सिक्योरिटी देखिए लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में तो काफ़ी सीएम सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी रहती है, लेकिन सीएम योगी के सुरक्षा को मद्देनजर गोरखपुर कैंप कार्यालय को काफ़ी तरह से सुरक्षित किया गया था। और इसी दौरान जब कल रात बीती रात की एक घटना बताई जा रही है, जब एक दौरान एक युवक अपने एक शब्द को लेकर अंदर प्रवेश चाहता है, जो शब्द रहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर शब्द कहते हुए वो मंदिर के गेट से अंदर प्रवेश करना चाहता है, जिस दौरान पीएससी के दो जवान उसे पकड़ लेते हैं और इस आपस में ही उसने धारदार हथियार निकालकर जवानों के पैर पर और हाथ पर भी चोट मारी। उसके बाद बता दें कि काफ़ी वो नोकझोंक हुई जो सड़क पर सीसीटीवी में कैद हुई है, जो सीसीटीवी भी हमने आपको भेजी है, उस सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि किस तरह एक युवक दो जवानों को बुरी तरह चोटिल कर रहा है। तो कुल मिला के आपको बता दें कि सीएम योगी आज गोरखपुर आ रहे हैं और साथ ही साथ एटीएस के चीफ भी आ रहे हैं, एटीएस के कुछ आला अधिकारी भी गोरखपुर पहुंच चुके हैं और इस मामले को एसटीएफ एटीएस दोनों संयुक्त मिलकर जांच कर रहे हैं, साथ ही साथ गोरखपुर पुलिस भी उनकी पूरी सहायता कर रही है जी। और अनुराग, कहा यह जा रहा है कि ये जो शख्स है जो मंदिर में घुसा था उसका परिवार ये कह रहा है कि उसकी जो मानसिक हालत है वो ठीक नहीं है, इसको लेकर क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, बीती रात की एक घटना है, जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद ये सुनने में आया था कि ये मानसिक रूप से विचित है, लेकिन उसके बैग में जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके बैग में लैपटॉप मिला और वो जो लड़का है वो आईआईटी का स्टूडेंट रहा है, और साथ ही बता दें कि लैपटॉप के साथ कुछ धार्मिक किताबें थी और एक फ्लाइट का टिकट था, जो सबसे बड़ी बात यह कि फ्लाइट की टिकट से ही उसे संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि 28 मार्च का वो टिकट था वो इंडिगो एयरलाइंस का था जो कि गोरखपुर से दिल्ली का था, और 28 मार्च को उसने सफ़र नहीं किया, तो दिल्ली सफ़र न
गुनाह करके गोरखपुर मंदिर में जाना और हथियार लेकर जाना और अल्लाह अकबर कहना, ये चीजें सारी चीजें मिलकर सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर रहा है, सारी संलिप्तता जो इसमें देखी जा रही है। तो इस वजह से एटीएस और एसटीएफ इसकी जांच कर रही है लगातार, इसमें पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस की 5 टीमें बनाई गई है जो परिवार के दोस्तों में, रिश्तेदारों में और उनके परिजनों से भी मुलाकात करके पूछताछ कर रही है। जी जी अनुराग, और सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि मानसिक रूप से अगर जो शख्स विक्षिप्त था तो क्या उसका कोई इलाज चल रहा था, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2017 से वो मानसिक रूप से उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो सवाल ये भी उठता है ना कि 2017 से क्या उसका कोई इलाज चल रहा था, डॉक्टर से किसी तरह की सलाह ली गई थी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, परिजनों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से विचित्र था, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मानसिक रूप से विचित्र था तो वो एक और युवक के साथ मंदिर में क्यों जाएगा, मंदिर में हथियार लेकर क्यों जाएगा? और चूंकि आपको बात बता दें कि काफी युवक कई दिनों से परेशान लग रहा था, और बताया तो ये भी जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो खुद को गोली मरवाना चाहता था, मतलब चाहता था कि जो सुरक्षा के जवान लगे उसे गोली मारते। लेकिन ये सारी चीजें बाद में देखी जा सकती है, कहीं ना कहीं इस पे जो जिस से उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासनिक लोग ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं या फिर उसको एक संवेदना जताए, मतलब देख रहे हैं कि ये एक आतंकी हमला हो सकता है। आतंकी हमला क्यों? क्योंकि ये इस समय 2 से 3 दिनों में कई जगह ये चीजें उभर कर सामने आई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मंदिर के गेट में परिसर कर रहा है और वो एक हिंदू का मंदिर है तो वहां पर अल्लाह अकबर नहीं कहेगा। दूसरी चीज ये है कि वो एक IIT का स्टूडेंट रहा है, साथ ही साथ उसके जो बैग थे उसमें फोन्स और लैपटॉप मिले हैं जिसमें काफी सारी जानकारियां हैं जो बड़ी अहम बताई जा रही है। और दूसरी चीज ये है कि उसका जो एयरलाइंस का टिकट में 28 मार्च का उसका सफर तय था, जो कि गोरखपुर से दिल्ली का था। सबसे जो संदिग्ध ये चीज आ रही है वो इंडिगो का वो टिकट है, जब दिल्ली ना जाकर गोरखपुर में ही, कहीं ना कहीं ये एक आतंकी साजिश बताई जा रही है। इस बात को प्रशासन ने भी माना है, ADG लॉ एंड ऑर्डर, जो ADG है लॉ एंड ऑर्डर, इन्होंने भी ये चीज माना, और सारे लोग मान रहे हैं कि इस चीज को आतंकी हमले से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अनुराग, देखा जाए तो ADG लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने कहा था कि ये एक आतंकी हमला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अब इसकी जो जांच है वो कई जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो भी करने वाली हैं, खबर जिस तरह से सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि 28 मार्च को उनकी टिकट थी और उस टिकट के बावजूद उन्होंने सफर नहीं किया, और उनके बैग से जिस तरह से लैपटॉप बरामद हुआ है और जो धार्मिक किताबें बरामद हुई हैं, निश्चित तौर पर ये जो थ्योरी परिवार के द्वारा दी जा रही है कि वो मानसिक रूप से उनकी हालत ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं खारिज हो रही है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वो काफी फ्रस्ट्रेट लग रहा था, क्योंकि पत्नी से काफी दोनों से विवाद चला था, पत्नी छोड़कर चली गई थी, और ये सारी चीजें पारिवारिक, उसको अलग मोड़ देने की कोशिश की जा रही है परिजनों द्वारा, क्योंकि जब भी घर का कोई सदस्य बचाने के लिए या फिर उसको किसी तरह का एक मोड़ वो लोग देना चाह रहे हैं, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों का जो संदेह है कि एक आतंकी हमला हो सकता है, तो उनकी भी बातों पर नजरअंदाज अब नहीं कर सकते, क्योंकि जो सारी चीजें तथ्य सामने निकल कर धीरे धीरे खुलकर आ रहे हैं, ATS और STF ने जो कमान सौंपी है, जो ये जांच का विषय है, और गोरखपुर पुलिस इसकी सहायता कर रहा है, साथ के साथ तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 5 टीमें गठित की गई है, तो आखिर कुछ ना कुछ ऐसे तत्व होंगे, जब 5 टीमें गठित करना, STF और ATS को इन्वॉल्व होना, और इस जो लॉ एंड ऑर्डर के ADG हैं उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य हो जो मीडिया के सामने नहीं ला रहे हैं, क्योंकि देखिए बता दें कि जब मेडिकल कॉलेज में दोनों सिपाहियों का इलाज चल रहा था तो मीडिया को गेट पर ही रोका गया था, और ये मामला चूंकि हाई प्रोफाइल है, CM के कैंप कार्यालय का मामला है, CM के मठ का मामला है, और CM के आवास का मामला, क्योंकि CM का वह गृह जनपद गोरखपुर है, और वहाँ सिर्फ आवास से 200 मीटर की दूर पर ऐसी सनसनीखेज वारदात जो हो रही है, तो इस पे अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो अब इतनी सारी कार्रवाइयाँ होनी है, ATS NIA और STF को बीच में लाना, अगर वो मानसिक रूप से विचित्र रह रहा तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने कह दिया था कि मानसिक रूप से विचित्र, या उसको निजी मुचलकी पर छोड़ा जा सकता था या फिर उसको जेल भेजा। लेकिन अब जिस तरह तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, STF बीच में फेस कर रही है, ATS फेस कर रही है, गोरखपुर पुलिस ने 5 टीमें बना दी, तो कहीं ना कुछ तथ्य ऐसे निकल के सामने जिसको गोपनीय रखा गया, गोपनीय तरीके से ये जांच की जा रही है और खुलकर जो आगे सामने आएगी। जी बिल्कुल अनुराग, और कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि फ्रस्ट्रेशन
उसमें थी, तो निश्चित तौर पर इसका इलाज करवाना चाहिए था परिवार को। लेकिन ये आप फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की हरकत को अंजाम देना निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कहा जाए कि एक घटना है, और इस पर जो है लगातार जो जांच है वो चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं गोरखपुर, और तमाम जो अफसर हैं वो भी लगातार उनका जो बयान सामने आ रहा है, लगातार इस पूरे मामले की जांच जो है वो एटीएस को सौंप दी गई है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।